नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। राजस्थान में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने अभी तक पार्टी पर से अपनी निष्ठा को नहीं त्यागा और ना ही उन्होंने कांग्रेस से अलग होने की कोई बात की। वो बस सीएम अशोक गहलोत के साथ काम नहीं करना चाहते। वही अशोक गहलोत सरकार भी 19 विधायकों के जाने के बाद बाकी बचे विधायकों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे और साथ ही बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी लगा रहे, जिससे बीजेपी ने तो साफ इनकार किया। लेकिन अभी जो विधायकों की खरीद फरोख्त के 3 ऑडियो बम फूटे, उन्होंने सबको असमंजस में डाल दिया। कांग्रेस को तो मानो मौका मिल गया है ये जताने का कि हमने जो कहा सही कहा। बीजेपी विधायकों को खरीदकर कांग्रेस सरकार को राजस्थान में गिराना चाहती है। दरअसल ये ऑडियो बम राजस्थान सरकार के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जारी किया और साथ ही दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जयपुर के संजय जैन के जरिए विधायक भंवरलाल शर्मा के संपर्क में। एक प्रेस नोट जारी करके बताया गया कि भंवरलाल शर्मा ने 30 विधायकों की संख्या पूरी करने का आश्वासन दिया है। 3 ऑडियो वायरल होने का दावा है जिसमें पैसे के लेन देन की बात हो रही। ऑडियो में भंवरलाल जब अमाउंट की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो भी आश्वासन दिया गया पूरा किया जाएगा और वरिष्ठता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस सरकार के ओएसडी के इन ऑडियो बम को बीजेपी फर्जी करार दे रही। विधायक भंवरलाल शर्मा ने एक वीडियो जारी करके इसे कांग्रेस सरकार के ओएसडी की साजिश करार दिया। मेरा जो ऑडियो वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है और मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री जी हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए जी के पास भेजता है, एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज है न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। आपको बता दें, ऑडियो क्लिप वायरल होने का असर कांग्रेस और बीजेपी पर तो ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, जिस बिचौलिए संजय जैन की बात कांग्रेस सरकार के ओएसडी ने की थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खरीद फरोख्त में शामिल होने के आरोप के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी।